एडवेंचर पसंद लोगों के लिए लेह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। लेह में घूमने के लिए कई सारी जगह मौजूद हैं। हर साल पर्यटन लेह में घूमने के लिए आते हैं। आपको बता दें कि लेह जिले में 70-80% आबादी पर्यटन सीजन पर निर्भर करती है। बीते साल 2022 में 5,30,000 पर्यटक लेह घूमने आए थे। सर, जैसे कि आपको पता है कि लद्दाख, जैसे कि पूरा लद्दाख अराउंड 70-80% पूरा टूरिज्म पे डिपेंडेंट है, और इनडायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है टूरिज्म पे। और लास्ट ईयर भी हमारा सीजन इतना अच्छा नहीं गया, बिकॉज काफ़ी रीजंस थे इसमें, जैसे कि स्टार्टिंग में गो एयर बैंक्रप्ट हो गया, और क्योंकि गो एयर के 8-10 फ्लाइट्स थे रोज़ के, तो बिल्कुल ही उसके वजह से हमें काफ़ी सेटबैक मिला और लोगों को काफ़ी परेशानी हुई जो कि टूरिज्म स्टेक होल्डर्स थे। जैसे आपको टैक्सी आप देख लीजिए और होटल्स देख लीजिए, आपको भी पता है कि जैसे हमारा सीज़न बहुत ही छोटा होता है, 4-6 महीने तक का सीज़न होता है। लेह में बीते साल 2022 में रिकॉर्ड तोड़ पर्यटक पहुंचे थे, जिसके मद्देनजर बीते साल 2023 में टैक्सियों, टेम्पो ट्रेवलर, होटल और गेस्ट हाउसों की संख्या कई गुना बढ़ा दी गई थी। लेकिन बीते साल 2023 में ज्यादा सैलानियों की आमद नहीं हुई थी। अभी लद्दाख को ब्रीदिंग की टाइम चाहिए, लद्दाख में टूरिस्ट को हमें 1-2 साल नहीं जाना चाहिए। तो अगर ये नरेशन रहा तो फिर हमारे लिए लद्दाख में टूरिज्म के सिवाय हमारे पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम है ही नहीं। हमें कम से कम सीजन में 5-6 लाख टूरिस्ट चाहिए, ताकि हम अपने टूरिज्म इस इंडस्ट्री को सस्टेन करें और आने वाले टाइम में आगे बढ़ाएं। जाहिर तौर पर चुनाव के दौरान पर्यटकों की संख्या कम हो जाती है, और इस साल मुल्क में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, जिससे लद्दाख में पर्यटकों की आमद को खासा फर्क पहुंचा है। आपको बता दें कि इसी साल लद्दाख में जांस्कर और नीमो मार्गों में दर्जा से पदुम को जोड़ा गया है, जिसकी वजह से पर्यटन क्षेत्र में बढ़ावा मिल सके। नंबर्स मुझे लगता है कि डोमेस्टिक जो अराइवल्स है, इन सारे कारणों की वजह से, चुनाव के कारणों की वजह से, फ्लाइट, ये सारे मिला के मुझे लगता है कि लगभग पिछले साल के 2 लाख के आसपास है चांसेस है कि 2 लाख तक ही मुझे लगता है सीमित रहेगा इंटरनेशनल डोमेस्टिक टूरिस्ट, जबकि ये 3-4-5 तक जाना चाहिए। और फॉरेनर्स पिछले साल 38,000 आया था, और मुझे लगता है इस बार कम से कम ये 45,000 तक छूना चाहिए। लद्दाख सैलानियों की आमद पर निर्भर हो गया है, इसीलिए सैलानियों की आमद में थोड़ी सी भी गड़बड़ी की वजह से लद्दाख की पूरी अर्थव्यवस्था को फर्क पड़ता है।